हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए ये जोत, ये माता रानी की जोत जगाई है घर में। ये मेरा घर नहीं है, ये हमारे गांव में किसी का घर है, जहाँ जो हमारे सावन के महीने में माता चिंतपूर्णी की यात्रा जाती है माता के द्वार पर। तो उस अवसर पर ये गांव वाले जो है झंडा यात्रा निकालते हैं और कीर्तन वगैरह करते हैं। ये यात्रा के एक दिन पहले गांव में होता है, तो जिस घर ने पूरे घर गांव की जो है परिक्रमा होती है, और कुछ घरों ने जो है इस कीर्तन की मंडली को कह लो झंडा यात्रा वाले भक्तों को अपने घर में बुलाते हैं, और माता की चौकी रखी हुई होती है, वहां कीर्तन भजन करते हैं, और इसी प्रकार गांव में झंडा यात्रा निकलती है और अगले दिन माता चिंतपूर्णी के जाते हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और कीर्तन एंजॉय कीजिए। आते ही घर में मैंने जो है ब्रेड लिए, तो घी ले लिया है, ये चीनी और ये दो इलायची ले ली हैं। तो बच्चों ने आते ही जो डिमांड कर दी कि हमें कुछ मीठा खाना है, तो मैंने सिंपल मीठी ब्रेड बना दी। ये मैं कभी कभी बना देती हूँ बच्चों को। इसके लिए मैंने जो है एक पतीली में एक गिलास पानी ले लिया, और जो एक कटोरी चीनी थी वो इसमें मैंने डाल दी है। तो ये तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, ये मैंने ले लिया है फ्राई पैन में देसी घी। काफ़ी गर्म हो चुका है फ्राई पैन, तो इसमें मैंने ब्रेड डाल दिया है। इसको अच्छे से तल लेंगे दोनों तरफ से। ये ऐसे कर लेंगे, आप चाहे तो कम भी इसको कर सकते हैं, मगर फ्राई पैन थोड़ा गर्म ज़्यादा हो गया था। ये डार्क कलर के हो गए हैं, मगर डार्क कलर बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी टेस्टी कुरकुरे हो जाते हैं। तो इसी तरह मैं जो है सारे ब्रेड तल लूँगी। ये घी में तलने हैं उसमें तल सकते हैं आप, रिफाइंड में तलने हैं रिफाइंड में तल सकते हैं। वैसे इसकी जो रेसिपी है वो पूरा घी में डीप करके इसको तला जाता है, तो मैं डीप नहीं तलूँगी, इसे बस गर्म करूँगी और इसका थोड़ा सा कलर चेंज करूँगी। इसी प्रकार मैं सारे निकाल लूँगी। आप फ्राई पैन में भी जो है तेल या घी लगा सकते हैं, चाहे जैसे टोस्ट पे लगाते हैं वैसे भी लगा सकते हैं। इसी तरह जो है मैं सारे ब्रेड तल लूँगी। तो बच्चों ने आते ही बोल दिया, तो मुझे सबसे आसान काम यही लगा, तो ये मैंने मीठा बना दिया। मेरे पास ब्रेड भी पड़े हुए थे, तो मैंने जल्दी से, ये जल्दी ही बन चुके थे, मतलब आपका आधे घंटे में सारा ही काम फिनिश हो चुका था। जैसे चाशनी बनाना, इनको तलना। ये देखिए मैंने घी ले लिया, अब मैं दो दो इसमें रख लूँगी। इससे जो जल्दी हो जाएगा, वीडियो नहीं बन पा रही क्यों, इतनी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है हमारे एरिया में, बारिश वगैरह भी कम हो रही है। तो इसको मैंने घी लगा लिया ऊपर से, तो इसे भी हम जो है पलट लेंगे। बस ऐसे ही मैं सारे जो है टोस्ट जो है ब्रेड वाले, इनको मैं तल लूँगी। ये मेरी चाशनी जो है तैयार हो चुकी है, बिल्कुल पक चुकी है। ज़्यादा तार वाली नहीं बनानी है। ये जो ब्रेड भी तल ली है मैंने सारे, तो इन्हें मैं जो एक एक करके चाशनी में डिप कर लूँगी। ज़्यादा देर नहीं रखूँगी इसको, साथ ही साथ मैं निकाल लूँगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो चीनी है चाशनी ज़्यादा ना हो, फिर खाने में इतने अच्छे नहीं लगते। इसी तरह मैं सारे कर लूँगी।
कुछ मैंने जो है, मम्मी जी भी थोड़े नरम खाते हैं तो थोड़े नरम बना लूँगी, जो कड़क सख्त हो चुके थे ब्रेड वो अलग से बना लूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो छोटी सी अच्छी लगे और ये ब्रेड अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।